गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर फाइन एट योर होम। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी सोनीपत में स्वागत है। तो मैंने भी एमएससी का मेजर थ्योरी का कल एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने मेजरेबल सेट की डेफिनेशन और इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स को प्रूव किया था। तो वो वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं जो टॉपिक्स कवर करने जा रहा हूँ वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले तो मैं एक थ्योरम, जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, हम प्रूव करेंगे यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज मेजरेबल, और दूसरा उसकी कोरोलरी है जिसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज ऑल्सो मेजरेबल। तो ये दो थ्योरम्स आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं कवर करने जा रहा हूँ। तो जिसको इससे पहले का टॉपिक पढ़ना है या समझना है तो आप मेरा वो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं मेजरेबल सेट्स के नाम से, जिसके अंदर उसकी डेफिनेशन और वो दो थ्योरम्स जो मैंने बताई वो प्रूव की गई हैं, जिसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिसका हम आज यूज भी करेंगे, दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। तो वो रिजल्ट आप लोग वहाँ से समझ लीजिए और उसको आज हम इस थ्योरम्स के अंदर अप्लाई करेंगे। ओके, सो if you look at the screen that what we have to show that union of two measurable sets is measurable, union of two measurable sets is measurable. तो हमें जब इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ हम कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए आप ये देखिए, हम इसको स्टार्ट करते हैं कि दो मेजरेबल सेट्स हम लेके चल पड़ते हैं, दो मेजरेबल सेट लेके चल पड़ते हैं और उनकी यूनियन को हम क्या करते हैं, मेजरेबल प्रूव कर देते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे होगा, हम सपोज कर लेते हैं लेट ई वन एंड ई टू बी टू मेजरेबल सेट्स, बी टू मेजरेबल सेट्स। Required to prove RTP E1 union E2 is measurable. Required to prove E1 union E2 is measurable. तो जैसे मैंने कल भी आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि अगर हमें किसी सेट को मेजरेबल प्रूव करना है तो हम ये दिखा देंगे, फॉर एवरी सेट ए बिलोंगिंग टू आर, एम स्टार ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम यहां से ये कह देंगे जो सेट ई होगा कैसा आ जाएगा, मेजरेबल आ जाएगा। मीनिंग टू से जिस सेट को मेजरेबल हमने प्रूव करना है उस सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट, ये जो टोटल मेजर है एक इंटरसेक्शन के साथ वो लेस देन इक्वल टू क्या आना चाहिए, एम स्टार ए आना चाहिए। तो अब हम ई की जगह हमारे पास क्या ई वन यूनियन ई टू है, तो हम क्या करेंगे, For this, we claim that, or we show that you can say M star A is greater than or equal to M star A intersection E1 union E2 प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट फॉर एवरी सेट ए इन आर। जितने भी सेट रियल्स के अंदर आएंगे उन सब के लिए अगर ये कंडीशन हम प्रूव कर देते हैं, होल्ड करती है, तो हमारा प्रूफ क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके अंदर जो हम प्रूफ स्टार्ट करना है उसमें आप ये देखिए, बहुत आसान प्रूफ है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको समझिए कि हमारे पास एम स्टार के अंदर सबसे पहले ये देखिए, ये है इधर ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को लेके चलते हैं, इसको देखिए सेट थ्योरी से क्या ले सकते हैं, नाउ A इंटरसेक्शन
E1 union E2 that can be written as A intersection E1, A intersection E1 union A intersection E2 intersection E1 का कॉम्प्लीमेंट। तो सेट थ्योरी से ये रिजल्ट हमारे पास क्या होता है, ट्रू होता है। तो इसको मैं एक बार आपको ना वेन डायग्राम से समझा देता हूँ कि हम कैसे इन दोनों वैल्यूज को, आप इस पे ध्यान दीजिए, हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल दिखा सकते हैं। तो दोनों के लिए मैं देखिए एलएचएस के लिए एक वेन डायग्राम आपको समझा देता हूँ, आरएचएस के लिए एक वेन डायग्राम समझा देता हूँ। तो जैसे सपोज कीजिए हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमने सेट ए ले लिया, ये हमने सेट क्या ले लिया ए, ये हमारे पास सपोज कीजिए ईवन है और ये सपोज कीजिए हमारे पास क्या है ई टू, ये हमारे पास क्या है ई टू। तो इनके हम नाम दे लेते हैं, दूसरा भी एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों इक्वल कैसे आएंगे। सेम लाइन पे हम क्या करते हैं, एक डायग्राम इधर ड्रॉ करते हैं आरएचएस के लिए, चेक करना कि क्या ये वाकई में दोनों साइड्स इक्वल होती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि आप इसको वेन डायग्राम से शो कर लीजिए। तो एक सेम डायग्राम मैं इधर बना लेता हूँ, ये हमने ए लिया है, ये हमने ई वन लिया है और ये हमने क्या ले लिया इधर ई टू ले लिया। तो ये हमारे पास है, हम इधर लिखते हैं, ये हमारे पास सेट ए है, ये हमारे पास ई वन है ई वन और ये जो अंदर सेट है ये हमारे पास क्या है ई टू, ये हमारे पास क्या है E2। तो अब आप ये देखिए LHS के लिए क्या चाहिए, A की इंटरसेक्शन चाहिए E1 union E2 के साथ। तो हम पहले ये देखते हैं कि E1 union E2 क्या आएगा यहाँ पे, तो ये देखिए हम इसमें ड्रॉ करते हैं, तो ये आप देखिए आपके सामने जो स्क्रीन है इसमें हमारे पास ये है, ये जो पोर्शन है ये वाला, ये हमारे पास है ये ईवन हो गया सारा और ये हमारे पास क्या हो गया ई टू हो गया। तो ये हमारे पास आ गया ईवन यूनियन ई टू। तो जो ए इंटरसेक्शन ईवन यूनियन ई टू बचेगी वो कौन सी बचेगी, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं उससे हमें आइडिया हो जाएगा। अब हम ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन ईवन यूनियन ई टू आएगी। तो आप ये देखिए यहां से लेके ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये हमारे पास यहां तक, ये तीनों का कॉमन पोर्शन हमारे पास आ जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2। अब हम आ जाते हैं राइट साइड चेक करने के लिए RHS, ये हमने क्या लिया है A लिया, फिर से ये A है, ये हमारे पास है E1 और ये हमारे पास क्या है E2। तो राइट साइड के लिए देखिए पहले है A इंटरसेक्शन E1, तो A इंटरसेक्शन E1 जो होगी वो हमारे पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास क्या है A इंटरसेक्शन E1 है। नेक्स्ट हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले देखिए ए इंटरसेक्शन ई टू हमारे पास कौन सी है, फिर से हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सारी चीजें। तो इंक कलर हम इसमें चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन ई टू आएगा वो फिलहाल आएगा कौन सा, ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ई टू और साथ में हमें चाहिए उसकी इंटरसेक्शन किसके साथ, ई वन कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो ये देखिए सिर्फ ये जो बाउंड्री है ये छोड़ के, आप ये देखिए बाउंड्री है हमारे पास किसकी, ई वन की, इसको आप छोड़ दीजिए यहां तक, ये बाकी जितना भी पोर्शन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ई वन का कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इसका मीनिंग ये वाला जो पोर्शन है ये भी उसी में काउंट हो जाएगा इधर इवन कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ये इधर।
तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, जब हम तीनों की इंटरसेक्शन लेते हैं तो ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ई टू, ये हमारे पास है ए इंटरसेक्शन ई टू, और उसकी हमारे को किसके साथ लेनी है, ई1 कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा, क्योंकि ये इधर भी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, जो हमारे पास दोनों की यूनियन आएगी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ई1 ये होगी इधर, और ये हमारे पास आगे ए इंटरसेक्शन ई2 इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट, तो फिर से ये वाला जो पोर्शन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारी आर एच एस आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू सेट थ्योरी आप देखिए ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम, तो ये हमारे पास ये वाली साइड आ गई इधर से, इसमें आर एच एस आ गई, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यहां से एल एच एस क्या हो जाएगी हमारे पास, आर एच एस के इक्वल आ जाएगी। तो दैट मीन्स टू से हम क्या कह सकते हैं, कि जो ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको तो ले लेते हैं नंबर 1, ये ले लेते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 में हम क्या करते हैं, टेकिंग आउटर मेजर, टेकिंग आउटर मेजर, टेकिंग आउटर मेजर वी गैप एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू इज इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने क्या किया, जो टू थी हमारी साइड, इसका हमने क्या कर दिया, दोनों साइड मेजर ले लिया। लेकिन राइट साइड में देखिए, क्योंकि मेजर हमने बताया था कि काउंटेबल 72 होता है, तो इसलिए जो राइट साइड है वो हमारे पास सेम हो जाएगी, देयरफॉर एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू ये आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट, वी टेक इट एज टू, यू कैन टेक इट एज सॉरी 3। तो इसमें आप ये देखिए, हम जो राइट साइड में है, बिकॉज मेजर इज आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिट्यू, आप ये रीजन इसका ले सकते हो, बिकॉज बिकॉज आउटर मेजर इज काउंटेबली सब एडिट्यू, काउंटेबली सब एडिट्यू, काउंटेबली सब एडिट्यू, दैट्स वाई हम क्या कर सकते हैं, इसको लेस देन इक्वल और बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस है मतलब। तो अब आप ये देखिए, हमारे पास जो लेफ्ट साइड वो आ गई एम स्टार इंटरसेक्शन ई वन ई टू। अब मैं एक बार स्लाइड बैक करता हूँ, अब ये देखिए हमारे पास ये टर्म आ गई एम स्टार इंटरसेक्शन ई वन ई टू, हमें इसके साथ और क्या चाहिए, एम स्टार इंटरसेक्शन ई वन ई टू होल कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं, एडिंग एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड्स वी गेट। तो हमारे पास जो एल एच एस आएगी दैट विल बी एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू फॉर कॉम्प्लीमेंट लेस देन इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू ऑल कॉम्प्लीमेंट।
और फाइनली हम इसको ले सकते हैं इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस एम स्टार, इसको देखिए थोड़ा सा मॉडिफाइड फॉर्म में लिख रहे हैं, आगे हमें जरूरत पड़ेगी ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई वन ई टू प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट। ये हमने अप्लाई कर दिया डी मॉर्गन्स लॉ, बिकॉज डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग हम ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमने रिजल्ट यहाँ पे चेंज कर दिया, ये ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट थी, ये चेंज होगी किसके अंदर, ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ओके, तो अब देखिए बस छोटा सा और इसमें दो स्टेप्स हो रहे हैं जो हमें फॉलो करने हैं। आप यहाँ देखिए ये है ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट जो रियल नंबर्स का सबसेट आएगा, यहाँ भी ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट है जो रियल नंबर्स का सबसेट आएगा। तो आप यहाँ देखिए ये हमारे पास बचा है ई टू और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है ई टू का कॉम्प्लीमेंट, और अब हमें ई टू दे रखा मेजरेबल, तो हम क्या करेंगे मेजरेबल सेट की डेफिनेशन अप्लाई कर लेंगे। तो इसको मैं नंबर दे रहा हूँ थ्री, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे नाउ सिंस ई टू इज मिजरेबल, ई टू इज मिजरेबल सो एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट ई टू इंटरसेक्शन ई टू प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने कल भी वीडियो लेक्चर में यही डिस्कस किया था आप लोगों को कि अगर हमें मेजरेबल सेट की डेफिनेशन यूज करनी है तो हम ये इक्वलिटी वाली करेंगे, और जब हमें प्रूव करना हो तो उसमें हम सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन है उसको लेकर चलेंगे और सिर्फ उसको प्रूव कर देंगे। ओके, तो हमें हमारे पास क्या आ जाएगा एम स्टार इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप ये देखिए जो हमारे पास थ्री की ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इन दोनों का सम हमारे पास यहाँ से आ जाएगा एम स्टार इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट के इक्वल। तो हमारे पास इसलिए क्या करेंगे फॉर्म थ्री वी हैव, तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट उस पर आ जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एम स्टार ओ टू ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू प्लस एम स्टार ओ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट लेस देन और इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट, और इसको हम ले सकते हैं फिर से एम स्टार ए सिंस ई वन इज मेजरेबल, सिंस ई वन इज मेजरेबल। तो देखो जो गिवन है उसका तो हमें डेफिनेटली यूज करना ही करना पड़ेगा, ई वन ई टू हमें मेजरेबल दिए गए थे तो हमने एक बार ई टू को मेजरेबल यूज कर लिया, और सेकंड टाइम हमने क्या किया कि इवन मेजरेबल उसका हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और क्योंकि इवन मेजरेबल है तो फॉर एवरी सेट ए बिलोंग टू एम स्टार ए किसके इक्वल आएगा एम स्टार इंटरसेक्शन इवन, एम स्टार इंटरसेक्शन इवन प्लस एम स्टार इंटरसेक्शन इवन का कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे पास फाइनली क्या आ गया देयरफॉर एम स्टार ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट, और इसकी वजह से हम क्या कहेंगे हैंस ई वन यूनियन टू इज मेजरेबल, हैंस ई वन यूनियन ई टू इज मेजरेबल। तो डियर स्टूडेंट्स इसके लिए प्रूफ मैं फिर बता देता हूँ, बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ डेफिनेशन को फॉलो करना है और उसकी एक टर्म हम लेके चल पड़ेंगे एम स्टार, ये देखिए इधर एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन ई टू, ये हम लेके चल पड़े यहाँ से ए इंटरसेक्शन ई वन यूनियन
2, ये वेन डायग्राम से हमने दोनों साइड्स को इक्वल दिखा दिया। और दोनों साइड हमने नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, हमने ये वाला स्टेप एडिंग एम स्टार इंटरसेक्शन इवन यूनिट टू कॉम्प्लीमेंट बोथ साइड्स, वहीं से आपका प्रूफ हो जाएगा, जिसमें हमें एक बार ए टू मेजरेबल का यूज करना है और एक बार इवन मेजरेबल का यूज करना है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं यूनियन ऑफ टू मेजरेबल सेट्स इज ऑल्सो मेजरेबल। तो आई थिंक ये प्रूफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है, आपकी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ओके, और इसकी मैं जैसे मैंने डिस्कस किया था वीडियो लेक्चर से पहले कि मैं इसकी कोरोलरी डिस्कस करूंगा, इफ इवन एंड ई टू आर मेजरेबल, इफ इवन एंड ई टू आर मेजरेबल then even intersection E2 is also measurable। तो इसमें ये दिखा सकते हैं intersection of two measurable sets is also measurable, और इसको generalize करके हम finite sets तक भी ले जा सकते हैं कि even E2 ये अगर measurable तो उनकी union भी measurable होगी, उनकी intersection भी क्या आएगी, measurable आएगी। तो इसका प्रूफ आसान है, हम यहां से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इवन एंड ई टू आर मेजरेबल हियर, इवन कॉम्प्लीमेंट एंड ई टू कॉम्प्लीमेंट आर आल्सो मेजरेबल, क्योंकि ये मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगर इवन ई टू मेजरेबल होंगे तो इवन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ई टू सॉरी इवन कॉम्प्लीमेंट और ई टू कॉम्प्लीमेंट भी क्या आएंगे, measurable आएंगे, because E1 and E2 are given measurable, because E1 and E2 are given measurable। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि भी E1 का complement और E2 का complement भी कैसे आ जाएंगे, measurable आ जाएंगे। और अभी हमने प्रूव किया कि अगर दो measurable sets हैं तो उनकी union भी कैसे आएगी, measurable आएगी। तो इसका मतलब even complement union E2 complement भी क्या आ जाएगा, is also measurable। Sorry। और इसका मीनिंग क्या होगा, फिर से इस पर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कीजिए, even intersection E2 का complement is also measurable। और फिर से हम बस एक स्टेप और फॉलो कर लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट होगा मीन्स टू से सेट इटसेल्फ, इवन कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अगर ये इवन इंटरसेक्शन टू कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, इज अगेन मेजरेबल। और यहां से हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट इज द सेट इटसेल्फ, दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट इवन इंटरसेक्शन ई टू इज मेजरेबल। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो सेट्स मेजरेबल है तो उनकी इंटरसेक्शन भी कैसे आएगी, मेजरेबल आएगी। प्रूफ में जल्दी से इसका रिपीट कर देता हूं, बिकॉज इवन ई टू मेजरेबल है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स मेजरेबल होंगे, कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो उनकी यूनियन मेजरेबल आएगी। यहां पर हम डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओके, आपको बता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इवन इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इवन कॉम्प्लीमेंट यूनियन ई टू कॉम्प्लीमेंट, तो इवन इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल होगा, और कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जो सेट इटसेल्फ आएगा वो मेजरेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इवन इंटरसेक्शन ई टू कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, मेजरेबल होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दो रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार इनका प्रूफ पूछ लिया जाता है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैंने इनको थोड़ा इजी वे में समझाया, बाकी हो सकता है आपको इससे भी इजी वे बताओ, मैं अपने वे से आपको बता सकता हूँ। फिर भी अगर आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो आप उसको लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेजर थ्योरी के जितने भी मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो बना सकूँ वो मैं इसमें अपलोड करूँगा, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो एमएससी मैथमेटिक्स कर रहा है तो आप उनको भी जरूर चैनल का लिंक शेयर कीजिए, और आप सदा खुश रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।